प्यारा दोस्ताना मन, बहुत प्यारे मुंबई के मेरे सारे दोस्त पहचाने, ज्यादा चेहरे पहचाने, थोड़े बहुत ना पहचाने। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा शहर जो छोड़ दिया। कई बार जीवन मुंबई ने बुलाया, बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, और हर बार ये लगा कि मुंबई धक्का दे रहा है, यहाँ की रफ्तार हमें रास नहीं आ रही है। लेकिन वो प्यारे दोस्त सब यहाँ रह गए और धीरे धीरे एक तरह से मेरे खजाने में शामिल हो गए, और उन सबकी यादें आज इस तरह उद्गार बन के निकली है। ये मेरे लिए एक साथ प्रसन्नता और संकट दोनों का समय है। एक लेखक के जीवन में शायद उसको अपने जीते जी अपनी कभी प्रशंसा सराहना सुनने को नहीं मिलती है, और अगर मिलती है उस समय उसको विनम्रता का दौरा पड़ता है या आत्मदया का दौरा पड़ता है। और मुझे लगता है कि एक दोनों चीजों से मैं अपने को हमेशा बचाती रही हूँ, लेकिन आज उसकी बातें सुनकर मैं कहीं बहुत संकटग्रस्त महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आपने मुझे मुझसे कहीं अधिक आका है। अब मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा अनिरुद्ध, जो मेरे साथ आया है, यहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, वो मुझे बुलाता रहता है। कभी कहता है आके बारिशें देख जाओ, कभी कहता दिल्ली में बहुत ठंड है, आप मुंबई आ जाओ, यहाँ ठंड नहीं है। वो मुझे बुलाता रहता है, लेकिन न जाने कोई ना कोई दबाव मेरे ऊपर ऐसा रहता है, कोई तकाजा ऐसा रहता है। और आप जानते हैं दिल्ली क्या है, दीदी दलालों की मंडी है। दिल्ली में लेखक नहीं होता है, दिल्ली में इतने लेखक एक लेखक के लिए कभी इकट्ठे भी नहीं हो सकते, क्योंकि दिल्ली में से लोग दिल्ली में लोग कसाई बनते हैं, दिल्ली में दूसरे का गला काटते हैं, चाहे वो मोटरकार के व्यापारी हो, चाहे वो लेखक के अधिकारी हो, वहाँ हर आदमी एक दूसरे को ओवरटेक करना चाहता है। और बम्बई जो कि फिल्मों में हमें दिखाई जाती है, अपराध की नगरी, मारधार की नगरी, दैन्य की, दुख की, माफिया की नगरी, मुझे लगता आज भी ये मोहब्बत की नगरी। जीवन के सबसे अच्छे दोस्त बम्बई में मिले। मुझे आज भी याद आता है कैसे विश्वनाथ जी सरसों का साग लेके हमारे घर आते थे, ये सोच के कि पंजाबी घर है, यहाँ सरसों का साग बनेगा। तभी की शादी नहीं हुई थी, शादी हुई उसके बाद इनके घर हम गए थे, इनकी पत्नी ने बहुत अच्छी चाय पी रही थी, तो मुझे नहीं पता था कोई इतने साल तक इतनी सुंदर है अभी तक। आज उन्होंने जब कहा उम्मीद ही इतनी सुंदर हो गया। सुदर्शना जी हैं, सुदर्शना जी के जमा जी कितना लेखन उन्होंने पढ़ा है, पत्रकारिता की प्रखरता उनकी देखी है। सुधा अरोड़ा तो हमारे सामने बड़ी हुई है, और सुधा अरोड़ा हमारे सामने ही धीरे धीरे एक खरगोश जैसी लड़की से एक खूंखार श्रीमती और एक बहुत रौंदा पिछड़ने वाली स्त्री लेखिका बनी। स्मृतियाँ बहुत है, सुधा बुलाना मानना, मैं अच्छे शब्द कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी प्रचंडता भी बताना चाहती हूँ और तुम्हारी प्रसन्नता भी बताना चाहती हूँ। धीरे स्थान जी को हम पढ़ते रहे, इनकी कहानी दुखम शर्मंद छानी मुझे इतनी पसंद आई थी कि बहुत दिन तक तुम्हें तके के सराहने रखकर सोया करती थी, इतनी मुझे पसंद आई थी इनकी कहानी। पिता कहानी इनकी है, लोग ज्ञान रंजन के पिता की कहानी की बात किया करते थे, धीरे स्थान जो पिता की कहानी पढ़ी है वो बिल्कुल सौ का दवा आगे कहानी है। तो यहाँ तो समझे कि एक से एक जवाहर बैठे हुए हैं, किसका नाम ले और किसका नाम छोड़े, यूनुस खान और ममता सिंह विविध भारती के जादू नगरी के दो जादू हैं, इसीलिए एक जादू पैदा किया है इन्होंने। और इनकी गड़गड़ाती हुई आवाज और इनकी मधुर आवाज इतना दोस्ताना आपके अंदर पैदा करती है कि मीलों दूर बैठे भी हम सुनते हैं तो पता चल जाता है कि ये आवाज है
अब यहाँ रुकना है, इसके आगे रेडियो भी सुनी घुमा है। यहाँ पर रजनी मोहन बैठी जिनके पास नमक सार जैसी इतनी सशक्त कहानी है, विमल रानी अपनी जीजी विषय से लगी हुई है, लगातार अपने कामों में लगी हुई है, क्योंकि पुस्तक का नाम ही कैन है। आप सोचिए कैन या आई कैन, और आप सोचिए कि ये सामर्थ्य ये शहर हमें देता है। बम्बई लाख मुसीबत हो, लाख धक्के हो, लाख लोगों की दौड़ भाग हो, ट्रैफिक जाम हो, उसके बीच भी इस शहर के अंदर नई पार्टी हो वो गुंजाइश है जो आपको बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए मौका देती है। आप चाहे भौतिक विकास करें, चाहे आर्थिक विकास करें, चाहे आप सामाजिक विकास करें, चाहे मानसिक और वैचारिक विकास करें, मुझे ये लगता है एक शहर के अंदर ये संभावना होनी चाहिए। शहरों के नाम बदलते हैं, अरे बच्चे ने नाम बदली तो कितनी देर लगती है उसको समझने में, हम उसको वही छोटू मोटू कहते रहते हैं, उसका नाम आप कितना भी क्लिष्ट रख दीजिए, इसी तरह शहरों के नाम होते हैं। और मुझे लगता है कि बम्बई के लिए अभी मेरा एक और मोहब्बत नामा लिखना बाकी है। दोस्तों आज बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी खुशी हो रही है इस खुशी के आगे ये विषय कुछ छोटे सा नहीं सही, और बम्बई मेरे लिए भी बहुत मोहब्बत का शहर है, क्योंकि यहाँ रवीन और मैंने डबल डेकर की बसों पर खूब सैर की है, रातों भर सैर की है, माहिम में लोकल के धक्के खाए हैं, हमने यहाँ पर नौकरियाँ की हैं, हमने यहाँ पर मुसीबतें झेली हैं, हमने यहाँ पर आर्थिक संकट झेले हैं, और यहाँ से बिल्कुल दिवालिया होकर गए, लेकिन मन को दिवालिया नहीं होने दिया। संपन्न है और दुआ करती हूँ कि वो इतना संपन्न रहे कि आप सबकी इस दयालुताई को, इस दौलत को, इस खुलेपन को मैं किसी न किसी रूप में अपने कागज पर उतार सकूँ। होता है यही सागर में और मनुष्य में यही अंतर होता है, सागर की लहरें उत्ताल होती है, वो डबल डेकर की बस की ऊपर की छत पर भी छींटे छोड़ जाती है, मन की लहरें दिखती नहीं है, वो केवल लेखक ही उतार सकता है। एक लेखक मन की उत्ताल तरंगों को, मन के गहन रहस्यों को, मन की कोमल भावनाओं को, उन सब को कहीं अपनी उड़ेल सकता है। किसी भी उम्र में आप पहुंच जाए, चाहे मेरी कोई भी उम्र हो, मुझे ये लगता है अभी मुझे एक प्रेम कहानी लिखनी है, अभी मुझे एक यात्रा विवरण लिखना है, अभी मुझे एक शहर नामा लिखना है, अभी एक दुनिया के नाम मोहब्बत का लिखना है।